देखिएगा सरकार के द्वारा दिया गया है, लेकिन उसके अवैध में कितने अवैध शराब के ठेके खोले जाते हैं, कितनी अवैध शराब बिक रही है, आप सब लोग जानकार हैं, मेरे से अधिक है क्योंकि आप इस गांव के रहने वाले हैं। तो भक्ति मानव कल्याण संगठन बार बार नशा मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा है, इसमें आप लोगों का सहयोग है कि आप भी अपने गाँव को नशा मुक्त करने का प्रयास करें, कि अपने गाँव में जो भी अवैध शराब बिक रही है, जो भी शराब के ठेके आपके गांव में खोले जा रहे हैं, उनसे अपने समाज को किस तरह से बचाया जाए, अपने परिवार को, अपने गांव ग्राम को, अपने देश को किस तरह से बचाया जाए। क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, हमारे जो त्योहार होते थे, हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, वो शुद्धता और सात्विकता के प्रतीक होते थे। विवाह जैसा उत्सव था, बच्चे का जन्मोत्सव था, कोई भी अन्य प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, उनमें सात्विकता का वातावरण हमारे घरों में, हमारे परिवारों में होता था। लेकिन आज विवाह उत्सव जैसा पारंपरिक जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है, जिसमें कि दो समाजों का मिलन होता है, दो आत्माओं का मिलन होता है, दो परिवारों का मिलन होता है, उस जैसे पवित्र बंधन में जहाँ पर आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ की साधना आराधना करनी चाहिए, जो हम आप सबकी आत्मा की मूल जनी है, लेकिन वहां पर राक्षसी भोजन परोसा जाता है। राक्षसों का भोजन क्या होता था? रात भर शराब पीते थे, उड़दंग बजाते थे, दिन में पड़के सोते थे। आज हमारे समाज की वही स्थिति बनती जा रही है, रात भर शराब पीते हैं, उड़दंग मचाते हैं, दिन में 11-11 बजे तक सोकर उठते हैं। तो इन सब से कौन हमारे समाज को बचाएगा? हम आप सब को बचाना है, क्योंकि हमारा परिवार है, हमारा समाज है। सरकार के द्वारा अच्छी पहल चलाई गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं, लेकिन बेटियां बच भी गई, बेटियां पढ़ भी लेंगी, लेकिन बेटी को सुरक्षा कहाँ से देगी? जिस बेटी का यदि पिता शराबी है, उसको कहाँ सुरक्षा मिल जाएगी? जिस बेटी का भाई शराबी है, उसको कहाँ पर सुरक्षा मिल जाएगी? जिस बेटी का पति शराबी है, उसको कहाँ से सुरक्षा मिल जाएगी? क्या सरकार उसको घर में आके उसको सुरक्षा दे देगी? नहीं, हम आप सबको इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, सरकार को बाध्य करना पड़ेगा कि हमारे समाज में जो नशे जैसी महामारी जो फैलाई जा रही है, इससे अपने समाज को बचाना है, हम आप सबको प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम अपनी संस्कृति को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति नशा करता है, लेकिन परिवार में अगर 4 सदस्य 5 सदस्य सभी प्रभावित होते हैं, आर्थिक पक्ष लगा लो, सामाजिक पक्ष लगा लो, व्यक्तिगत पक्ष लगा लो, कोई भी पक्ष देख लो, हर पक्ष में वो कमजोर होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि नशा एक वो भोजन है, वो आहार है, जो व्यक्ति के अंदर जो बैठे हुए आत्म तत्व उसको शुद्ध अवस्था में ले जाता है। आज जन्मे हुआ व्यक्ति की आत्मा भी उतनी चैतन्य है, और एक मृत्युशैया पर जो लेटा हुआ व्यक्ति है, उसकी भी आत्मा उतनी ही चैतन्य है। सिर्फ हम अपने कर्मों के द्वारा उसके ऊपर आवरण डाल लेते हैं। एक लाइट है, बल्ब है, वो जल रहा है, उस पर एक कपड़ा ढक दिया, थोड़ी सी कम लाइट हो जाएगी, दो कपड़े ढक दिए, थोड़ी सी और कम लाइट हो जाएगी, उसमें 3-4 कपड़ों के लपेटे लगा दिए तो बिल्कुल रोशनी अंधेरा हो जाएगा, वहां पर रोशनी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसी तरह हम अपने मानव जीवन में जिस तरह के भी कर्म करते चले जाते हैं, उससे वो आत्मा सुप्त अवस्था में चली जाती है, उसकी चेतनता खत्म हो जाती है, उसका पतन का कारण शुरू हो जाता है। नशा सबसे बड़ा वो भोजन है जो कि मनुष्य को निरंतर जन्म दर जन्म पतन के मार्ग पर ले जाता है। दो बच्चे पैदा होते हैं, एक माता पिता होते हैं, एक डीएनए होता है, सामाजिक वातावरण में एक तरह का मिलता है, लेकिन एक बच्चा तो पढ़ लिख के डीसी बन जाता है, दूसरे बच्चे को रोजी रोटी की भी व्यवस्थाएं करने में मुश्किल पैदा होती है। आखिर क्यों है ये? ये उन्हीं कर्म फल संस्कारों का परिणाम है। यदि अच्छे कर्म करे तो उनका अच्छा वातावरण उसको मिलता चला गया, यदि उसने बुरे कर्म करेगा तो बुरे वातावरण में ढलता चला गया। क्योंकि हमारी सृष्टि कर्म प्रधान सृष्टि है, यहाँ पर जैसा कर्म करेंगे वैसा फल निश्चित ही है। यदि सत्कर्म करेंगे तो सत्परिणाम मिलेंगे, दुष्कर्म करेंगे तो दुष्परिणाम हमें भोगने ही पड़ेंगे। हमारे देश में आजादी से पहले किसी तरह का भी नशा नहीं होता था, हमारी संस्कृति थी दूध दही का खाना वही मेरा हरियाणा, लेकिन आज कहां दूध दही का खाना रही नहीं है, पेप्सी को बियर शराब नशे पर, नशों का नाम ही नहीं पता चला कैसे कैसे नशे हैं। आजकल तो महिलाएं भी नशे करने लगी, काफी महिलाएं हैं वो भी बीड़ी पीते हैं और तरह का हुक्का पीते हैं, ये भी नशा करते हैं, ये भी नशा के तो एक उसमें आता ही है कड़ी में ही। तो इस सबसे किसे बचाएगा? हमें आप सबको प्रयास करना पड़ेगा। हमारे घर में यदि कोई एक ही व्यक्ति नशा करता है तो उसे समझाएं, बताएं। भक्ति मानव कल्याण संगठन के द्वारा नशा मुक्ति महासंघ किए जाते हैं, शक्ति चेतना जन जागरण शिविरों का आयोजन किया जाता है, उन आयोजनों में आप शामिल हों, वहां पर बैठने मात्र से संकल्प शक्ति के माध्यम से ही नशा मुक्त हो जाता है, कितना ही कितना बड़ा शराबी क्यों ना हो, लेकिन एक बार संकल्प उसे जरूर लेना पड़ेगा। यहाँ भी भक्ति मानव कल्याण संगठन के द्वारा हमने नशा मुक्ति हस्ताक्षर अभियान चलाया है, उसमें भी आप लोगों का हम सहयोग चाहेंगे कि नशा मुक्ति हस्ताक्षर अभियान में अपने हस्ताक्षर कर इस
प्रक्रिया को बल दें ताकि शासन प्रशासन को हम बातें कर सकें कि हमारे देश के इतने लोग नशा मुक्ति के लिए प्रयासरत हैं, नशा मुक्ति अपने देश को करना चाहते हैं, अपने समाज को नशा मुक्त करना चाहते हैं। उसी के द्वारा आप सब लोग अपने स्तर पर जहाँ भी आप खड़े हैं, क्योंकि प्रकृति सत्ता ने आत्म तत्व के रूप में आपके अंदर चेतना दे रखी है, कोई भगवान हमें बचाने के लिए नहीं आएगा। यदि हमारे पड़ोस में कोई भी बुराई हो रही है तो उसका हम आप सबको डटकर विरोध करना पड़ेगा, कोई दूसरा उसका विरोध करना नहीं आएगा। प्रकृति सत्ता ने वो आत्म तत्व हम आप सबके बीच में दे रखा है, बस प्रयास है कि उसको जागृत करने का। छोटे से कर्म है आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी, माँ और ओम का भाव प्राणायाम है, यह एक प्राण साधना है। इसे युवा बच्चे महिलाएं कोई भी यदि प्रातःकाल मॉर्निंग में सूर्योदय से पहले 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट एक बार माँ का उच्चारण करें, एक बार ओम का उच्चारण करें, तो आपकी चेतना जागृत होनी शुरू हो जाएगी, स्तोभूमि कोशिकाओं का विकास होगा और नकारात्मक जो भी भावनाएं हैं आपकी वो धीरे धीरे करके दूर होती चली जाएंगी। सहज प्राणायाम है, सहज प्राणायाम धीरे धीरे अपने श्वास को छोड़े, धीरे धीरे श्वास को लें, क्योंकि आजकल हमारी सांसों की गति भी इतनी कमजोर हो चुकी है कि 5-10 चिड़ियां चढ़ने लग जाए तो हमारी सांसें फूलने लग जाती हैं। तो उसके लिए ये है कि हमारी सांसों की गति बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि हम सांस लेने भूल ही गए हैं। छोटे बच्चे हैं जो कि बिल्कुल छोटा बच्चा होता है उसका देखते हैं कि जब वो सांस लेता है तो पेट से सांस लेता है, उसका पेट ऊपर नीचे होता है और हमारा सांस तो फेफड़ों तक भी नहीं पहुंच पाता। तो अपने सांसों की गति को बढ़ाना है तो उसके लिए लंबे लंबे गहरे सांस लें, लंबे लंबे अपने श्वास को छोड़े और धीरे धीरे करके लंबे लंबे श्वास लें। युवाओं के लिए ये बहुत ही कारगर पत्ती है। थोड़ी देर ध्यान में बैठें, जिसके भी इष्ट के आप आराधक हैं, नहीं भी आराधक हैं तो आज्ञा चक्कर पर 5 मिनट 10 मिनट अपना ध्यान जरूर लगाएं। 5 मिनट डेली नित्य 5 मिनट आप आज्ञा चक्कर पर अपनी आंखों को बंद करके अपनी चेतना को शून्य तक ले जाने का प्रयास करें। एक बार माँ का उच्चारण, माँ ओम का प्राणायाम है, माँ का उच्चारण, एक बार ओम का उच्चारण, सहज प्राणायाम और अज्ञात चक्र पर ध्यान दीजिए 15 मिनट। यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में देता है तो उसे धीरे धीरे करके उसके जो भी विकार हैं उसके विचारों में शुद्धता आती चली जाएगी, विकार मुक्त होता चला जाएगा, चेतना उसकी जागृत होती चली जाएगी। सामान्य सी क्रिया है, इसमें किसी को कुछ नहीं लेना। अपने घर में कहीं भी खाली स्थान जो दिख रहा है, आपको अच्छी सी खुला स्थान है उसमें बैठ के आप कर सकते हैं।